आपने दुनिया की कई बेहतरीन ट्रेनें देखी होंगी जो दुनिया में रफ्तार, डिजाइन और फैसिलिटीज को लेकर फेमस होंगी। वैसे भी आजकल रफ्तार का जमाना है, लोग जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं और रफ्तार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी ट्रेनों के बारे में बताएंगे जो ट्रांसपोर्ट के नियमों को तोड़ रही हैं। दुनिया की कुछ ऐसी ट्रेनें जिनमें ना तो स्पीड है ना ही डिजाइन, साथ ही इनमें कोई फैसिलिटी भी नहीं है, और इससे भी बड़ी बात ये ट्रेन्स यात्रियों के लिए नहीं है क्योंकि इनकी स्पीड इतनी स्लो है कि आपको अपनी डेस्टिनेशंस तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जब यह ट्रेन्स आज की ट्रेंडी ट्रेन्स की तरह कोई फैसिलिटी देती ही नहीं है तो आखिर यह दुनिया में किस वजह से फेमस है? पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसी ट्रेनें हैं जो ट्रेंडी होने की वजह से पहचानी नहीं जाती बल्कि लंबाई की वजह से पहचानी जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया में कुछ ऐसी बेहतरीन ट्रेनें हैं जो इतनी लंबी हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह ट्रेनें दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, साथ ही उन देशों में भारत भी शामिल है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह ट्रेन आम ट्रेनों से कितनी लंबी होंगी। आमतौर पर ट्रेनों की लंबाई मीटर में होती है, लेकिन आज जो ट्रेनें हम आपको दिखाएंगे उनकी लंबाई किलोमीटर में है। अब आप सोचिए कि ट्रेनें जब पटरी पर उतरती होंगी तो आसमान से इसका नज़ारा कितना खूबसूरत दिखता होगा। वही यह ट्रेनें किसी सांप से कम नहीं लगती होंगी। तो बिना देर किए हुए हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन्स। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम एक लंबे सफर के लिए निकलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बिलिटन आयरन ओर ट्रेन, यह ऑस्ट्रेलिया में बनी दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन की लंबाई 7.29 किलोमीटर है, यानी 7 किलोमीटर और 290 मीटर। यह ट्रेन एक माल गाड़ी ट्रेन है जो एक बार में 82,000 मीट्रिक टन सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इस ट्रेन में कम से कम 402 डब्बे मौजूद होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन डब्बों की गिनती 700 से भी ज्यादा कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए किस तरह के इंजन बने होंगे, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए कोई इंजन बना ही नहीं है। फिर यह ट्रेन्स चलती कैसे हैं? दरअसल ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ट्रेन को चलने के लिए 8 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक ट्रेन के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल, वो भी सबसे मजबूत इंजन। इस ट्रेन के बारे में एक और चौंका देने वाली बात यह है कि इस ट्रेन को सिर्फ एक ड्राइवर चलाता है जो 300 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में पूरा करके माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इन ट्रेन्स की स्पीड इसीलिए धीमे होती है क्योंकि इन डब्बों का वजन और कतार ज्यादा होता है, इसीलिए रफ्तार को धीमे रखना पड़ता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की यह ट्रेन दुनिया की सबसे भारी भरकम ट्रेन भी कहलाती है। दोस्तों, इसी श्रेणी में दूसरी ट्रेन है यूनियन पैसिफिक ट्रेन। यूरोप में चलने वाली यूनियन पैसिफिक ट्रेन रेलगाड़ी की वो संस्था है जो अपनी ट्रेनों को चलाने के लिए डीजल या इंजन का इस्तेमाल नहीं करती। यूनियन पैसिफिक ट्रेन की ज्यादातर ट्रेनें आज भी भाप के इंजन से चलती हैं और कभी कभी इंजन कोयले की मदद से चलती हैं। ट्रेन की खास बात यह है कि यह एक पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन फिर भी इस ट्रेन में इतने लोग ट्रैवल नहीं करते जितने सिर्फ इसे देखने के लिए आते हैं। दरअसल 2010 में यूनियन पैसिफिक ट्रेन के कर्मचारियों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो देखना चाहते थे कि एक इंजन से ट्रेन के कितने डब्बों को खींचा जा सकता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक मालगाड़ी में डब्बों को जोड़ना शुरू किया और देखते ही देखते ट्रेन की लंबाई 6 किलोमीटर हो गई। हैरानी तो तब हुई जब इस भारी भरकम ट्रेन को एक कोयले से चलने वाले इंजन की मदद से चलाया जा रहा था। इससे यूरोप को टाइम और पैसे दोनों की बचत होने वाली थी। फिर वो दिन आया जब एक लंबी ट्रेन को कोयले से चलने वाले इंजन की मदद से चलाया जाने लगा। अब हम आपको ऐसी ट्रेन दिखाएंगे जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई ट्रेन नहीं तोड़ पाई। साइशन सल्दाना रेलवे। साल 1976 में साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस के वर्कर्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जब उन्होंने सबसे भारी और सबसे लंबी ट्रेन चलाई। इस ट्रेन को करीब 800 किलोमीटर दूर तक चलाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन में 660 से भी ज्यादा डब्बे जोड़े गए थे और इस ट्रेन को खींचने के लिए 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया गया। साथ ही इमरजेंसी के लिए 4 डीजल इंजन
इंजन भी लगाए गए थे। इस ट्रेन की कुल लंबाई 8 किलोमीटर है। इस ट्रेन को बनाने के लिए करीब 7 साल से तैयारी चल रही थी। जी हाँ, इस ट्रेन को कैसे बनाया जाए और इसका ट्रैक कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस ने 7 साल की प्लानिंग की थी। साल 1989 में ऑफिशियली इस ट्रेन को अफ्रीका में चलाया गया और इस ट्रेन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में इस ट्रेन की लेंथ को और बढ़ाया गया है। वहीं अगर आप इस ट्रेन को पैदल चलते हुए देखेंगे तो आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। हमारी अगली ट्रेन है द रायो टिंटो रेलवे। यह ट्रेन भी ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रायो टिंटो खदान है। इस खदान का अपना प्राइवेट रेलवे है जिसका नाम है रायो टिंटो रेलवे। यह रेलवे खदान में से निकलने वाले मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इस समय रायो टिंटो माइनिंग कॉरपोरेशन में 200 से भी ज्यादा लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस रेलवे में कोई भी ट्रेन 2 किलोमीटर से छोटी है ही नहीं। इसीलिए रायो टिंटो रेलवे को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेलवे कहा जाता है। ये ट्रेन सिर्फ माल की लोडिंग के लिए है, पैसेंजर्स के लिए इस रेलवे लाइन में कोई ट्रेन नहीं है। अब यह तो हुई विदेशों की बात, अब आते हैं हमारे बेमिसाल हिंदुस्तान पर। लॉन्गेस्ट ट्रेन की रेस में भारत भी पीछे नहीं है। इंडियन रेलवेज में भारत की भी कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो काफी लंबी है। इनमें से एक है वासुकी। जब दुनिया भयंकर महामारी से जूझ रही थी और सभी ट्रांसपोर्ट बंद थे तो भारतीय रेलवे ने इसी दौरान 295 डब्बों को जोड़कर और 5 इंजन की मदद से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन तैयार कर दी। इस ट्रेन के ट्रायल के लिए इसे छत्तीसगढ़ के भलई से कोरबा तक चलाया गया। जब लोगों ने इस ट्रेन को देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी लंबी ट्रेन भी हो सकती है। इस ट्रेन को खींचने के लिए 5 इंजन लगाए गए। इंजन्स के बीच तालमेल बैठाने के लिए इंजन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जोड़ा गया। इंडियन रेलवे इससे पहले भी लंबी ट्रेनें चला चुकी हैं। इनका नाम था एनाकोंडा और शेषनाग। इतनी लंबी ट्रेन को चलाने के पीछे की वजह है कि इससे ज्यादा माल को कम समय में एक साथ पहुंचाया जा सकता है। अब दोस्तों, हमने आपको ऊपर बताया था कि ज्यादातर लंबी ट्रेनें पैसेंजर्स ट्रेनें नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? जबकि भारत में तो ट्रेन से यात्रा करने वालों की संख्या इतनी है कि ट्रेनें कम पड़ जाए। फिर ऐसा क्यों? पैसेंजर्स ट्रेनों को छोटा क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों, इंडिया में तो इसका सबसे बड़ा कारण है प्लेटफॉर्म। दरअसल भारतीय प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर ही होती है। इसीलिए अगर ट्रेन की लंबाई बढ़ाई गई तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पूरी नहीं आ पाएगी। इससे ट्रेन के आगे या पीछे के डिब्बे प्लेटफॉर्म से बाहर रहेंगे। ऐसे में अगर लोग प्लेटफॉर्म से उतरकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो इससे जान माल का खतरा हो सकता है। इसीलिए भारतीय पैसेंजर्स ट्रेनों की लंबाई 650 मीटर ही रखी गई है। वहीं मालगाड़ियों को इसीलिए लंबा बनाया जाता है क्योंकि मालगाड़ियां कभी भी सामान्य प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती। मालगाड़ियों को रुकवाने के लिए कई अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। ऐसा ही बाकी देशों में भी है। आमतौर पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 से 800 मीटर ही होती है और अगर कभी ट्रेनों की लंबाई बढ़ाई गई तो भारतीय रेलवे को सभी प्लेटफॉर्म्स को तोड़कर लंबे प्लेटफॉर्म बनाने होंगे, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिलहाल सभी देश माल ढोने की गाड़ियों की लेंथ बढ़ाने में लगे हैं। बाकी फ्यूचर में क्या हो जाए यह किसे पता। सो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही आपकी फेवरेट ट्रेन कौन सी है यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक लाते रहें। धन्यवाद।